हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने देखो सीखो चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आरपीसी द्वारा आयोजित आरएस परी एग्जाम 2018 के क्वेश्चन पेपर का अध्ययन करेंगे। दोस्तों क्वेश्चनों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों करते हैं क्वेश्चनों का सिलसिला शुरू। एक नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ए, कांग्रेस के नागपुर सत्र के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। बी, 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन है 4, ए और बी दोनों कथन सत्य है। दो नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? बेराट, नगरी, रेड नगर। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन एक बेराट। बेराट से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। तीन नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुज्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? नागभट्ट सेकंड, महेंद्रपाल फर्स्ट, देवपाल, भरतभट्ट फर्स्ट। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है 4, भरतभट्ट फर्स्ट, जो गुज्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। नागभट्ट सेकंड, महेंद्रपाल फर्स्ट, देवपाल, ये सब जो शासक हैं वो गुज्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित है। चार नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पदनाम का प्रयोग किया जाता था। राजकीय कवि के लिए, लोक स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख के लिए, राजकीय ज्योतिष के लिए, मुख्य न्यायिक अधिकारी के लिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 3, राजकीय ज्योतिष के लिए। राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पदनाम का प्रयोग किया जाता था। दोस्तों पांच नंबर क्वेश्चन है, क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी, जोरावर सिंह, श्यामजी कृष्ण वर्मा, केसर सिंह बहरत, विजय सिंह फटिक। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 3, केसर सिंह बहरत को महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी। छह नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? डेविड ऑक्टरलोनी, चार्ल्स मेटकॉफ, आर्थर वेल्जली, जॉन जार्ज। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन है 2, चार्ल्स मेटकॉफ ने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी। सात नंबर प्रश्न है, देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, बूंदी, प्रतापगढ़, उदयपुर, शाहपुरा। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 3, उदयपुर। उदयपुर 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं है। आठ नंबर क्वेश्चन है, त्याग भूमि के संपादक कौन थे? हरिभाव उपाध्याय, जय नारायण व्यास, देवी दत्त त्रिपाठी, ऋषि दत्त मेहता। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए 1, हरिभाव उपाध्याय त्याग भूमि के संपादक थे। नौ नंबर क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए मंदिर और जिला, कामेश्वर महादेव अलवर, शीतलेश्वर जोधपुर, पीपला माता झालावाड़, नीलकंठ पाली। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 2, डी सी बी ए, कमलेश्वर महादेव पाली, शीतलेश्वर महादेव झालावाड़, पीपला माता जोधपुर, नीलकंठ महादेव अलवर। दस नंबर क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? कुंभ श्याम मंदिर, सातवीस देवरी, समीदेश्वर मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 2, सातवीस देवरी चित्तौड़गढ़ किले के मंदिरों में से जैन मंदिर नहीं है। ग्यारह नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से
कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? जमुना दास, बक्साराम, नानक राम, नंद राम। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन तीन, नानक राम। नानक राम अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? रचना और लेखक। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन एक, बोल बहारमली, यादवेंद्र शर्मा, ये जो है वो सुमेलित नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन, गौरी देवी जिस गायन शैली से संबंधित थी, लंगा, मांड, तालबंदी, ठुमरी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन दो, मांड। गौरी देवी मांड गायन शैली से संबंधित थी। 14 नंबर क्वेश्चन, नारी संत दयाबाई शिष्या थी, संत चरणदास की, संत निम्बकाचार्य की, संत रेदास की, संत रामचरण की। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन एक, संत चरणदास की। नारी संत दयाबाई संत चरणदास की शिष्या थी। 15 नंबर प्रश्न है, ग्रास या जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है? गवरी, लूर, बम, तेरह ताली। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन दो, लूर। ग्रास या जनजाति से संबंधित नृत्य शैली लूर है। 16 नंबर क्वेश्चन, विजयदान देथा के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, विजयदान देथा राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे जिनकी कहानी चरणदास चोर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित की गई। बी, विजयदान देथा रूपायण संस्थान के सह संस्थापक थे। निम्नलिखित कुटों में से सही उत्तर चुनिए। इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन चार, दोनों ए और बी सत्य है। 17 नंबर क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से सुमिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन तीन। 18 नंबर क्वेश्चन, जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र में मध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? अल्फा सूचकांक, बीटा सूचकांक, गामा सूचकांक, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन एक, अल्फा सूचकांक। 19 नंबर क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? औद्योगिक प्रदेश, देश रूर, जर्मनी, दक्षिणी न्यू इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, फोगाटी, इटली, कांटो मैदान, जापान। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन दो। 20 नंबर क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक, सूची दो। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन एक। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? ऑप्शन एक, गलीकोंडा, दो, सलहेर, तीन, सिंह रामगठा, चार, माधुगुला कोंडा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन दो, सलहेर। 22 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? स्थानांतरण और राज्य, कृषि का नाम, पोंडू ओडिशा, मासा हिमाचल प्रदेश, पोनम केरल, झूम असम। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन दो, मासा हिमाचल प्रदेश, ये जो है वो सुमेलित नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए कूट से कीजिए। सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड है। भारत में संरक्षित क्षेत्र संख्या वर्ष 2018 में, ए सामुदायिक रिजर्व 103, कंजर्वेशन रिजर्व 46, राष्ट्रीय पार्क 544, वन्य जीव अभ्यारण्य 76। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन एक, सामुदायिक रिजर्व 46, कंजर्वेशन रिजर्व 76, राष्ट्रीय पार्क 103, वन्य जीव अभ्यारण्य 544। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसरो के सहयोग से बनाता है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन दो, GaAS सोल सेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसरो के सहयोग से बनाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोर्स उत्तर का चयन कीजिए।
सूची एक में जिला है, सूची दो में पर्वत है। ए जालोर, बरवाड़ा, जयपुर, जारोला, अलवर, रघुनाथगढ़, सीकर, बानगढ़। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए एक, जालोर, जारोला, जयपुर, बरवाड़ा, अलवर, बानगढ़, सीकर, रघुनाथगढ़। 26 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन एक, मुकंदरा पहाड़ियां। मुकंदरा पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। 27 नंबर प्रश्न, निम्न को सम्मिलित कीजिए, सूची एक में हमें मुख्य सिंचाई परियोजना का नाम दिया है, सूची दो में सिंचाई सुविधाओं से लाभान्वित जिलों के नाम दिए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन एक, सिद्धमुख परियोजना। सिद्धमुख परियोजना से लाभान्वित जिले हैं हनुमानगढ़ एवं चूरू। नर्मदा परियोजना से लाभान्वित जिले हैं जालोर एवं बाड़मेर। जवाई परियोजना से लाभान्वित जिले हैं जालोर, पाली एवं जोधपुर। जाखम परियोजना से लाभान्वित जिले हैं उदयपुर एवं प्रतापगढ़। 28 नंबर प्रश्न, राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है, ए कुछ स्थानों पर सहनीय धाराओं की उत्पत्ति, ब अरावली पहाड़ियां दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के समानांतर है, स अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन चार, केवल ए। केवल ए जो है वो राजस्थान मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। 29 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन से कथन सत्य है। संगमरमर विकास एवं संरक्षण नियमावली 2002, राजस्थान खनिज नीति 2015, जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियमावली 2016, राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली संशोधित मई 2016 तक। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन चार, ये सभी कथन सत्य है। 30 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से खनिजों का राजस्थान लगभग अकेला उत्पादक राज्य है। ए सीसा एवं जस्ता अयस्क, ताम्र अयस्क, वोलेस्टोनाइट, सेलेनाइट। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन चार, ए स और द। इन सब का राजस्थान अकेला उत्पादक राज्य है। 31 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2017-18 दिसंबर 2017 तक में राजस्थान के कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन प्राप्त हुआ था। एक बीकानेर नागौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन तीन, बाड़मेर सांचौर बेसिन। इस क्षेत्र में 2017-18 में सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन संख्या 32, जनगणना 2011 के अनुसार क्रमशः भारत एवं राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन चार, 31.15% एवं 24.87%। जनगणना 2001 के अनुसार भारत एवं राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग है। जस्ता गलन उद्योग, सीमेंट उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, संगमरमर उद्योग। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन तीन, ए ब और द। ये जो है वो राजस्थान में खनिज आधारित उद्योग है। 34 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है। सीकर और धौलपुर, झुंझुनू और चूरू, बीकानेर और नागौर, गंगानगर और हनुमानगढ़। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन तीन, बीकानेर और नागौर 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या से कम है। 25 नंबर क्वेश्चन है, पचपदरा बाड़मेर में प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी किसका संयुक्त उपक्रम है।
इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए चार, एचपीसीएल एवं राजस्थान सरकार का यह एक संयुक्त उपक्रम है। 36 नंबर प्रश्न, कौन सा सुमेलित नहीं है? जिला सुबनकर, भीलवाड़ा मोर, चूरू कृष्णमर्ग, सवाई माधोपुर शेर, जैसलमेर गोडावन। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है तीन, सवाई माधोपुर शेर, ये जो है वो सुमेलित नहीं है। भीलवाड़ा का मोर है सुबंकर, चूरू का कृष्णमर्ग और जैसलमेर का गोडावन, ये जो है वो जिले सुबंकर से सुमेलित है। 37 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? 1926, 1937, 1945। इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन तीन, ए और सी। क्वेश्चन संख्या 38, गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया किसने लिखी? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन तीन, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया लिखी थी। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन से कथन सही है? ए, यह वैश्विक मताधिकार पर आधारित नहीं थी। बी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। सी, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। डी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन एक, ए और डी। ए और डी जो कथन है वो सत्य है। 40 नंबर प्रश्न, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे अंत स्थापित किया गया है। यह इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन एक, 15वें संविधान संशोधन द्वारा। 41 नंबर प्रश्न, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नांकित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए। ए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। सी, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। डी, ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन तीन, डी, ए, बी और सी, ये जो है वो कालक्रम के अनुसार है। 42 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में कौन सदस्य समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? ए आर अंतुले, एस एस रे, हरिदेव जोशी, सी एम स्टीफन। इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन तीन, ए बी और डी। ए आर अंतुले, एस एस रे, सी एम स्टीफन सदस्य समिति के सदस्य थे। 43 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन तीन, 240 एक गए पांडुचेरी, यह जो कथन है वो सुमेलित नहीं है। 44 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा ये घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन तीन, 25 जून 1975 को ये घोषणा की गई थी। 45 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में, एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन चार। 46 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन दो, 20 मामले एक दिन में अधिकतम उठाए जा सकते हैं। 47 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से
कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां है? ए प्राकलन समिति, बी लोक लेखा समिति, सी लोक उपक्रम समिति, डी संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों संबंधी संयुक्त समिति। सही उत्तर का चयन नीचे दिए कूट में से कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन तीन ए बी और सी, प्राकलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति, ये भारतीय संसद की वित्तीय समितियां है। 48 नंबर प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नांकित में से किसके समान है? ए लोकसभा अध्यक्ष, भारत का महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन तीन उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। 49 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई थी? गोरवाला प्रतिवेदन, कृपलानी समिति, संथानम समिति, भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन तीन संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। 50 नंबर क्वेश्चन है, जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई थी? कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन दो संयुक्त राज्य अमेरिका। जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका से हुई थी। 51 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है? ए सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता, लोकतांत्रिक आदर्शता की प्रभुता। सही उत्तर का नीचे दिए कुटों से चयन कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन चार ए बी सी और डी, ये सभी कथन सत्य है। 52 नंबर प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन तीन दो चार एक तीन। 53 नंबर प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 362 के उपबंधों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए आता है तो विधानसभा संकल्प पारित कर सकती है, विधानसभा संकल्प अस्वीकार कर सकती है, ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन चार ए बी सी। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा अधिनियम नियम राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन चार राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपांतर नियम 2011। 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? हरदेव जोशी, शिवचरण माथुर, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन दो बी और सी, शिवचरण माथुर, अशोक गहलोत विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता नहीं रहे हैं। 56 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किन पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन तीन सरपंच एवं पंच के खिलाफ लोकायुक्त द्वारा जांच नहीं की जा सकती। प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित में से कौन से कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही है? इसका गठन राजस्थान सरकार की 18 जनवरी 1999 की एक अधिसूचना द्वारा हुआ था। यह आयोग मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ। मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष एवं तीन सदस्यों का प्रावधान किया गया है। इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन दो ए बी और डी, ए बी और डी, ये कथन सही है। 58 नंबर प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं? न्यायमूर्ति एम
न्यायमूर्ति एन एम कासलीवाल, न्यायमूर्ति बी एस चौहान, न्यायमूर्ति ए के माथुर, न्यायमूर्ति आर सी लाहौटी। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है चार, न्यायमूर्ति आर सी लाहौटी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में से राजस्थान उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं। 59 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन है राजस्थान विधानसभा के प्रोटम अध्यक्ष व उपाध्यक्ष रहे हैं? पूनम चंद विश्नोई, निरंजन नाथ आचार्य, शांतिलाल चपलोत, प्रसाराम मद्रेणा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन एक, पूनम चंद विश्नोई। पूनम चंद विश्नोई राजस्थान विधानसभा के प्रोटम अध्यक्ष व उपाध्यक्ष रहे हैं। 60 नंबर प्रश्न, राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियम के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन तीन, ए सी और डी। ए सी डी जो कथन है वो सत्य है, अर्थात प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है, प्रस्ताव हाल ही घटित किसी विशिष्ट घटना तक सीमित रहेगा, एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होंगे, ये तीनों कथन सत्य है। 61 नंबर प्रश्न है, किसी विधेयक पर संविधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया, अब जहाँ राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधिमान्य नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन एक। 62 नंबर प्रश्न है, किसे जीएसटी के दायरे के अंदर रखा गया है? मान्य उपभोग के लिए शराब, विद्युत, पेट्रोलियम उत्पाद, घी। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन चार, घी को जीएसटी के दायरे में रखा गया है। 63 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत में वर्ष 2016 से 2021 के लिए प्लस माइनस 2% के सहनीय स्तर के साथ 4% का मुद्रास्फीति का लक्ष्य निश्चित किया है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन दो, भारत सरकार। 64 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2016-17 के दौरान भारत में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग के इक्विटी अंतर प्रवाह में योगदान के संदर्भ में निम्न में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन एक, मॉरिशस। मॉरिशस जो है वो 2016-17 के दौरान भारत में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग के इक्विटी अंतर प्रवाह में के योगदान में सबसे शीर्ष पर रहा था। 65 नंबर क्वेश्चन है, कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्संरचना क्यों करती है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन चार, उपरोक्त सभी। उपभोक्ताओं की मांग अपेक्षाएं निरंतर बढ़ती रहे, कम लागत पर उत्पादों और सेवाओं में प्रतिस्पर्धी बढ़त प्राप्त करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा रहा है, अर्थव्यवस्थाओं के विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर तीव्र हो गई है। 66 नंबर प्रश्न है, भारत में संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक अस्थिर भाग है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन तीन, याचना मुद्रा बाजार। 67 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में शामिल नहीं किया जाता? ब्याज प्राप्तियां, कर प्राप्तियां, सरकारी विभागों व सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभ तथा लाभांश, अल्प बचतें। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन चार, अल्प बचतें। 68 नंबर प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? 11वीं पंचवर्षीय योजना में अधिक तीव्र एवं ज्यादा समावेशी संवृद्धि पर जोर दिया गया था, अतः इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है तीन। 70 नंबर प्रश्न, राजस्थान के सामान्य थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है? इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन एक, 1999-2000। 71 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2017-18 में राजस्थान में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन एक, 7.16%। 72 नंबर प्रश्न है, हाल ही के वर्षों में राजस्थान के बजट की राजस्व प्राप्तियों में निम्न में से कौन सा मध्य सर्वाधिक राजस्व प्रदान कर रहा है? इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन दो, राज्य का कर राजस्व। 73 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस ताप विद्युत परियोजना की प्रतिस्थापित विद्युत क्षमता सर्वाधिक है? सूरतगढ़, छबड़ा, काली सिंधी, कोटा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन एक, सूरतगढ़। 74 नंबर प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने राज्य में प्रथम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की है, यह कहां स्थापित किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन चार, जयपुर। ये विश्वविद्यालय जयपुर में स्थापित किया गया है। 75 नंबर प्रश्न, राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र में निम्न में से कौन सा अनुपम बिक्री प्रस्ताव नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन चार, चिकित्सीय पर्यटन। चिकित्सीय पर्यटन राजस्थान में पर्यटन क्षेत्र में अनुपम बिक्री का प्रस्ताव नहीं है। 76 नंबर क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा राजस्थान का तेल क्षेत्र नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है 3 गंगा। गंगा राजस्थान में राजस्थान का तेल क्षेत्र नहीं है। 77 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्न जिलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 3 स्वरूप सागर झील। स्वरूप सागर झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है। 78 नंबर प्रश्न है, अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान सरकार की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत माता पिता की आयु और पूर्व परीक्षा के प्राप्तांक का एक निश्चित संयोग रखने वाले विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, यह निश्चित संयोग है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है 3 ₹2 लाख से कम, कम से कम 50%। 79 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 1 निर्धन महिलाओं, विधवाओं, परित्यक्ताओं और ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करना। 80 नंबर प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान में गरीबी कम करने के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रम एम पावर किसके द्वारा समर्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 3 कृषि विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय कोष तथा रतन टाटा ट्रस्ट द्वारा यह गरीबी कार्यक्रम संचालित है। प्रश्न संख्या 81, राजस्थान में पहली बार निम्न में से किस परियोजना में फव्वारा सिंचाई व्यवस्था को अनिवार्य किया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 3 नर्मदा केनाल परियोजना में। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोसी रेस का उदाहरण है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 4 नाइलॉन। 83 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगे होती है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 3 अवरक्त किरणें। 84 नंबर, ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 1 रंगे की टीन को चढ़ाया जाता है। 85 नंबर प्रश्न, पारा उच्च आवर्ती की तरंगे साधारणतः संचारित की जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 3 अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। 86 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर की मशीन भाषा आधारित है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 3 बुलई बीजगणित पर आधारित है। कंप्यूटर की मशीन भाषा बुलई बीजगणित पर आधारित है। 87 नंबर प्रश्न, ब्लूटूथ तथा वाईफाई में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर सही है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 1 ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो आवृत्ति पट प्रयुक्त करता है जबकि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज़ अथवा 5 गीगाहर्ट्ज़ आवृत्ति पट प्रयुक्त कर सकता है।